सिरसा की रानिया विधानसभा से चौधरी रंजीत सिंह जैसे ही विधानसभा चुनाव जीते। भाजपा सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और बिजली मंत्री का महकमा भी दे दिया। बिजली मंत्री बनने के बाद जैसे ही वह सिरसा में आए तो उनके स्वागत में जो समारोह रखा गया, उस समारोह में उन्होंने माइक से कड़ी चेतावनी दे दी, यदि सिरसा जिले में कहीं भी तारें लटकी हुई मिली या किसी की घर के ऊपर से तारें जाती हुई दिखाई दी, उससे संबंधित अफसर की मैं बदली कर दूंगा। कि गांव में सिरसा शहर में अगर कहीं बिजली की तारें, एक हफ्ते का टाइम दूंगा कि अगर कहीं बिजली की तारें लटकी हुई मिल गई तो एक हफ्ते बाद मैं इसी को कह दूंगा, वो अफसर उसे एसडीओ को मैं सस्पेंड कर दूंगा। अगर गांव में किसी के मकान के ऊपर से तारे जाने, मैं सामूहिक कह रहा हूँ पूरे सरसे जिले के, रानिया की बात नहीं है, जिसके घर के ऊपर से बिजली की तारे जा रही है, एक हफ्ते में या तो तारे बदलेंगे या वो अफसर बदल दूंगा। रंजीत सिंह कल्चर्ड, वेल बिहेव्ड, सोफिस्टिकेटेड, वो सब क्वालिटी है, पर उसके साथ हथौड़ा भी बड़ा पास रखता हूँ। अगर किसी अफसर ने बेकायदगी कर दी तो एक बार माइल्ड वार्निंग दूंगा, अगर वो नहीं तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, उसको रगड़ के रख दूंगा, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूं। बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह के अल्टीमेटम के बाद सारा प्रशासन हरकत में आ गया और जो तारें झूलती हुई दिखी उन्हें बदलने में या सही करने में लग गया, या जो खंभे पुराने या टेढ़े थे उन्हें भी बदला जा रहा है। हालांकि सिरसा में अगर हम देखें तो कहीं पर मीटर बॉक्स खुले पड़े हैं, कहीं पर तारें नंगी पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा काम यह है बिजली विभाग के हिस्से आता है। अब देखना यह होगा कि तय सीमा में वह यह काम कर पाते हैं या नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से बिजली विभाग अपना काम कर रहा है उस रफ्तार के मुताबिक लगता है कि तय समय सीमा में वह अपना काम पूरा कर देंगे। इस विषय में जब हमने बिजली विभाग के एससी से बात की तो उन्होंने क्या कहा यह सुनिए, और साथ ही विभागीय समस्याओं के लिए उन्हें मंत्री जी से क्या उम्मीद है यह भी सुनिए। मंत्री जी ने पूरे स्टेट में ये हिदायत दी है कि बिजली के तार नीचे जो भी हैं झूल रहे हैं वो टाइट करने हैं। पहली प्रायोरिटी हमने अर्बन की रखी है, अर्बन का अपने काम शुरू कर दिया है, 4-5 दिन में हमने 10-15 लोकेशन पर काम भी किया है। तो कोशिश है कि हमारी जो भी इस तरह के तार जो लटक रहे हैं, झूल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम उनको सेटलाइट करेंगे, क्योंकि ये निगम के लिए भी अच्छा है, लाइन भी लगना हमारी कम होगी। उस पर तो हमारा काम शुरू है, काम हमारा अंडर प्रोग्रेस है, वो भी हम लोकेशन हमारा ऑलरेडी चिन्हित है, इसका मैटर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। तो हमारी कुछ 761 लोकेशन थी, उसमें से हमने 500 करीब कर दिए, बाकियों पे हमारा काम चल रहा है, जो भी जल्दी से जल्दी इनको भी हम ख़त्म कर देंगे। देखो, मंत्री जी की पहली मीटिंग में ही कहा था वो ये सारे तार ऊंचे करे जाएं, ये तो देखो निगम का एक भलाई के लिए भी है, और निगम जो डेंजरस लोकेशन की लाइन थी वो पहले ही कर रहा था, उससे पहले ही हम 60-70% हम काम कर चुके थे। जो भी हमारी दिक्कतें होंगी हम अपने लेवल पर ठीक करेंगे, अपने लेवल पर ठीक नहीं हुई तो आदरणीय मंत्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे ये प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम दूर करा जाए।